असिंध में गुरुवार को तहसील कार्यालय पर भाजपा विधायक जब्बर सिंह सांखला के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपखंड के समस्त विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों ने कोरोना योद्धा का कोविड-19 के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते पुष्प वर्षा कर माला पहनाकर मोमेंटो दिया। साथ ही वंदे मातरम भारत माता के जयकारों के बीच भव्य अभिनंदन किया गया। जी हां, आपको बता दें कि विधायक सांखला ने कहा कि उपखंड स्तर पर लगे सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस लॉकडाउन में अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना योद्धा के रूप में जो सेवा कार्य किया वो अति उत्तम एवं सराहनीय है। इस मौके पर सभी का सम्मान होना आवश्यक है। इस परिस्थिति में हम सब अपने परिवार के साथ घर बैठे थे। उस मुश्किल परिस्थितियों में अधिकारी एवं कर्मचारी अपने परिवार से दूर दिन रात तेज धूप में भी क्षेत्रवासियों की सेवा में दिन रात लगे रहे। कोरोना योद्धा कई परेशानियों का सामना करते हुए निरंतर आजमन की सेवा कार्य करते रहे, यही इनकी सच्ची पहचान है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी कैलाश चंद्र मीणा, पुलिस उप अधीक्षक रोहित कुमार मीणा, तहसीलदार रामप्रसाद खटिक, नायब तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान, BCMHO प्रीतम गुप्ता, थानाधिकारी राजकुमार नायक, PhD कनिष्ठ अभियंता बालूराम गुर्जर सहित विभाग के अधिकारियों का सम्मान किया गया। जोखिम में डालकर के उन सभी अधिकारियों का भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा एक कार्यक्रम तय किया गया कि जिन लोगों ने 2 महीने से ज़्यादा हो गए काम करते हुए उनका एक मान सम्मान का कार्यक्रम रखा जाए। सभी शहर के जो वरिष्ठ लोग हैं उन सब ने बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारियों का एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया। इससे इनको एक मोटिवेशन मिले और इनको लगे कि हमने जो सेवाएं दी है, हमने जो काम किया है इसका एहसास आसिन की जनता को है और हमने इनको एहसास कराया भी है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बहुत ही जल्द ये कोरोना की महामारी की बीमारी से हमें निजात मिलेगी, हमारा भारत एक बार फिर से खुशहाल होगा।